गाइस तो यूजीएससी का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आ चुका है। तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस करना है या नो करना है, आपको अपग्रेड करना है या नो करना है, कैसे डाउनलोड करना है चलिए देखते हैं मोबाइल से। देखिए तो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ यूजीएससी 2023 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ लिखा है कि क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ बीबीटेक, इस पर क्लिक कर देंगे। सारा चीज़ें मोबाइल से भी कर सकते हैं आप, काउंसलिंग के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे यूजीएससी आईडी यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट डाल देंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद बताते हैं आगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा कि आपको ओटीपी किस पे भेजना चाहते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर। तो चलिए मोबाइल नंबर भेजते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी गया होगा एक मोबाइल नंबर पे जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ओटीपी ईमेल पे जाए तो यहाँ चेंज ओटीपी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, चेंज ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप ईमेल आईडी पे भी यहाँ पे ओटीपी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपका लॉगिन हो चुका है देखिए, और यहाँ पर देखिए सीट अलॉटमेंट ऑर्डर के यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखा रहा है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। या आप ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं, सबसे पहले तो आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो सीट रिजल्ट देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप उस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए आप देखिए आपको सबमिट विलिंगनेस करना पड़ेगा, यानी आप ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में इनको इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच मिला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में इनको इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच मिला है। आप उसके बाद यहाँ पर अगर इसको डाउनलोड करना है यहाँ सबमिट विलिंगनेस है, सबमिट विलिंगनेस पे या तो आप फ्रीज करना चाहते हैं या तो आप ऑटो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रीज करेंगे तो आप सेकेंड राउंड में नहीं जाएंगे, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप ऑटो अपग्रेडेशन यस करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन यस करना चाहते हैं यस करेंगे। फिलहाल मैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फिलहाल तो मैं ऑटो अपग्रेडेशन यस करूँगा, ठीक है। और जैसे आप विलिंगनेस पर क्लिक कर देंगे, अगर ये सबमिट कर देंगे तो आप डाउनलोड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड नहीं होगा जब तक हम इन दोनों में से एक को नहीं भरेंगे। जैसे ही मैंने ये इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए पासपोर्ट का ऑप्शन आएगा, पासपोर्ट को डालने के बाद ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी डालने के बाद हमारा जो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा, ओके। तो ये सब था सारा प्रोसेस। अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है तो ऑटो अपग्रेडेशन यस कर दें, आपको जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर का कॉलेज मिलेगा आपको चॉइस फिलिंग में, ठीक है, उसके नीचे का नहीं मिलेगा, समझ गए।